हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डीसी शंट मोटर पे क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए, मेरा क्वेश्चन है कि एक शंट जनरेटर है जो डिलीवर कर रही है 50 किलोवाट एट 250 वोल्ट पे, ठीक है, जब वो रनिंग हो रही है 400 आरपीएम की स्पीड से। ठीक है, आइए हम सारी वैल्यू को नोट करते जाते हैं। जो हमारा जनरेटर है, मैं जनरेटर के लिए स्पीड को एनजी शो कर रही हूँ। एनजी हमारा 400 आरपीएम है, और जो हमारी आर्मेचर रेजिस्टेंस और फील्ड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, आर ए की वैल्यू है 0.02, फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी 50, ओके। और हमको पावर दे दिए, जो उस पर जो जनरेटर पे जो पावर डिलीवर हो रही है वो है हमारी 50 किलोवाट। जनरेटर जो पावर डिलीवर कर रहा है, और जो वोल्टेज सप्लाई है वो है हमारा 250, ओके। इसी तरह मोटर में भी दे दिया, हमें स्पीड एन एम फाइंड करनी है, ठीक है। और हमसे कहा है कि ये जो पावर टेक कर रहा है, जो मोटर में भी जो पावर, इसको पीजी शो कर देती हूँ, पीएम शो कर देती हूँ, तो ये भी है हमारा 50 किलोवाट, और V की वैल्यू है 250, ओके। अब ब्रशेस, जो V ब्रशेस है वो हमारा एक ब्रश का 1 वोल्ट यानी 2 वोल्ट लेंगे, ओके। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जनरेटर की कंडीशन में क्या होता है, आपको पता है, जनरेटर अगर हम बनाए, यहाँ पे मैं एक ही फिगर बना रही हूँ, ये ओके, ये और ये आपका, देखिए। अब जनरेटर की कंडीशन, अगर ये जनरेटर होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लोड लगा देंगे, ओके। जिस पे लोड पे आपका जो वोल्टेज है वो 250 वोल्ट का है, और जिस पे पावर डेवलप हो रही है वो आपकी 50 किलोवाट की। तो यानी यहाँ पे जो लोड पे जो करंट आ रही होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी 50 × 10⁻³ डिवाइड बाई 250, एंड दैट इज इक्वल टू 200, ओके। तो यानी यहाँ पे जो करंट आ रही होगी 200 की होगी, ओके। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यही बस मेन बात है कि करंट की डायरेक्शन, अब देखिए करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, जनरेटर करंट प्रोवाइड करता है, एंड इधर जो करंट आएगी वो होगी ISH, और यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका 50 ओम का, तो 250 वोल्ट इस पे, तो ये जो करंट हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 5 एम्पियर की, ओके। तो हम यहाँ से IG फाइंड कर लेंगे, IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 एम्पियर प्लस 200, ओके, तो ये हो जाएगी 205। यही जब आपका मोटर का केस होगा, तो मोटर के केस में क्या हो जाएगी आपकी, ये जो आपकी शंट करंट है इसी डायरेक्शन में होगी, जो आपकी मोटर के केस में जो लाइन करंट होगी वो आपकी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। चलिए मैं दूसरा फिगर बना देती हूँ, ये है आपका, ओके। मोटर की कंडीशन में यहाँ पे एक सप्लाई होगी और लाइन करंट होगी आपकी इस डायरेक्शन में, और ये इधर आएगा, और ये करंट आपकी IM इधर आ जाएगी, और शंट इधर ही रहेगी। शंट की वैल्यू अभी भी वही रहेगी क्योंकि 250 वोल्ट की यहाँ भी सप्लाई है, ठीक है, और ये करंट, ये रेजिस्टेंस भी हमारा फिर 50 ओम का, तो ये अभी 5 रहेगा, ये आपका 200 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो इनपुट पावर है वो आपकी 50 किलोवाट की, और 250 वोल्ट की सप्लाई है, तो IL की वैल्यू 200 एम्पीयर ही आएगी। बस यहाँ पे चेंज होगा तो होगा, IM आपका चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 200 - 5, दैट इज इक्वल टू 195, ठीक है। अब यहाँ से मैं दोनों ही कंडीशन में, बस हमें E फाइंड करनी है, क्योंकि E हमारा प्रोपोर्शनल होता है स्पीड इनटू फ्लक्स के, तो वहाँ से हमें स्पीड पूछा, हम स्पीड फाइंड कर लेंगे, ओके। हमारा पूछा क्या है, स्पीड पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले E G फाइंड करेंगे, E G की वैल्यू हो जाएगी 250 यानी V, ओके, ये V, ठीक है, ये इधर ऐसे लोड पे इधर गया प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस ऐसे यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। तो आपकी जो E G की वैल्यू हो जाएगी 250 प्लस IG की वैल्यू कितनी है, 205 इंटू आर ए की वैल्यू कितना है हमारा 0.102 ओम है, ओके, प्लस वोल्टेज ड्रॉप, को पता है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी होता है, तो इसका मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है वोल्टेज ड्रॉप का, ठीक है, जिस पे आपका 2 वोल्ट जो ड्रॉप हो रहा है, ओके, तो प्लस यहाँ पे कर देंगे 2, यहाँ से आपका EG फाइंड हो जाएगा। और जब हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, EM फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगी 250 माइनस IM इंटू आर ए, IM कितनी है 195 इंटू 0.02 माइनस 2, ओके, यहाँ से आपका EM आ जाएगा। और EG आपको पता है E के किसके प्रोपोर्शन होता है, 5 इंटू N के प्रोपोर्शन होता है, EG डिवाइड बाई EM आपका हो जाएगा। अब देखिए, इन दोनों ही कंडीशन में 5G इज इक्वल्स टू 5M होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में ISH हमारी क्या है, इक्वल है, तो ISH अगर इक्वल तो 5 ही नहीं चाहिए, क्योंकि 5 प्रोपोर्शन होता है ISH के, ठीक है। और वैसे भी शंट मशीन में इसीलिए इक्वल होता है क्योंकि ISH चेंज नहीं होती है, और फाई हमारा ISH के प्रोपोर्शन होता है, तो ये दोनों हमारे इक्वल होंगे, तो इक्वल होंगे, तो ये बस किस EG का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, NG डिवाइड बाई NM। तो आपको NG की वैल्यू दे दी थी, देखिए NG की वैल्यू दी थी हमारे, हमें 400 RPM, ठीक है, तो 400 RPM था, तो यहाँ पे 400 RPM हो जाएगा, और आपसे NM पूछा है, और इस NM की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो फाइन आप आएगी आपकी 381.3 RPM, ओके, सेफ सॉल्व करके देखिएगा, इतनी ही आएगी, ओके, थैंक यू गाइस।